नमस्कार, मैं रिचु दीमान आज आपके समक्ष आई हूं कैथल जिले की मुख्य खबरों को लेकर। अगर हमारा ये बुलेटिन आपको पसंद आ रहा है तो हमारा हौसला बढ़ाने के लिए वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें। आज की पहली खबर है, करोड़ों रुपयों के किसान क्रेडिट कार्ड बैंक घोटाले में कैथल पुलिस ने 6 और लोगों पर केस दर्ज किया है। कैथल सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की टिम्बर मार्केट शाखा में 4 साल तक फर्जी दस्तावेजों पर किसान क्रेडिट कार्ड बनाकर 1,43,00,000 रुपए का घोटाला फिर से सुर्खियों में आ गया है। सिटी पुलिस ने अब 6 लोगों के खिलाफ अलग अलग FIR दर्ज की है। इसमें हरसोला निवासी मनोज कुमार पर फर्जी कागजातों पर 13,00,000 रुपए का लोन लेने, गांव करोड़ा निवासी सुरेंद्र पाल पर वर्ष 2017 में 8,00,000 रुपए का लोन लेने, गांव हरसोला के पंकज पर 15,00,000 रुपए का लोन, गांव हरसोला के शहदेव पर 15,00,000 रुपए का लोन लेने, गांव करोड़ा के कुलदीप पर 8,00,000 रुपए का, गांव हरसोला के जोगिंदर पर फर्जी दस्तावेजों पर किसान क्रेडिट कार्ड पर 9,00,000 रुपए का लोन लिया था, लेकिन आरोपियों ने 1 रुपया भी नहीं चुकाया। इसके बाद अब बैंक मैनेजर ने आरोपियों पर FIR दर्ज करवाई है। पुलिस इस मामले में पहले ही तत्कालीन बैंक मैनेजर तेज सिंह चौहान एवं मास्टरमाइंड रेशम सिंह को गिरफ्तार कर चुकी है। अब इस मामले में अन्य किन आरोपियों की गिरफ्तारी होगी, यह देखने वाली बात है। कैथल प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन के प्रधान प्रदीप कसान और चेयरमैन संजीव शर्मा ने स्कूल की समस्याओं को लेकर फेडरेशन के प्रदेशाध्यक्ष कुलभूषण शर्मा से अंबाला में मुलाकात की। इसमें 1 साल की एक्सटेंशन का लेटर जारी करवाने, स्कूलों को जल्द खोलने जाने, 134A के तहत राशि जारी करवाने बारे, बिना MLC के बच्चों का दाखिला सरकारी स्कूलों में किए जाने के खिलाफ चर्चा की गई। शनिवार सुबह सुबह गांव हाबड़ी के नजदीक बस और ट्रक में टक्कर हो गई। इस हादसे में कई सवारियों के अलावा बस व ट्रक के ड्राइवरों को भी चोटें आई। हादसे के बाद ट्रक व बस सड़क किनारे गड्ढों में उतर गए। बस गांव हाबड़ी से पुंडरी की तरफ से आ रही थी और ट्रक पुंडरी से हाबड़ी की तरफ जा रहा था। हरियाणा सरकार ने महिलाओं के लिए महिला विकास निगम के ऋणों के बकाया ब्याज को माफ करने के लिए वन टाइम सेटलमेंट योजना शुरू की है, जिसके तहत महिला लाभार्थी मूल ऋण की पूरी बकाया राशि का भुगतान 1 किश्त या 6 किश्तों में 1 जून 2022 तक लौटाती है तो उसका सारा ब्याज माफ कर दिया जाएगा। उपायुक्त प्रदीप दहिया ने बताया कि यह योजना उन महिला ऋणियों को कवर करेगी जिनका ब्याज 31 मार्च 2019 को निगम को भुगतान के लिए बकाया है। उन्होंने बताया कि ऋण लेने वालों को 6 महीने के भीतर इसका लाभ उठाने की अनुमति दी जाएगी। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पुलिस लाइन कैथल के मैदान में मनाया जाएगा। समारोह के दृष्टिगत सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस अलर्ट मोड पर है तथा इस अवसर पर आम लोगों के जान माल की सुरक्षा तथा अराजक गतिविधियों को मद्देनजर सुरक्षा की दृष्टि पुलिस द्वारा समुचित सुरक्षा प्रदान किए जा रहे हैं। आज थाना सिविल लाइन प्रबंधक सब इंस्पेक्टर वीरभान तथा थाना प्रबंधक शहर इंस्पेक्टर देवेंद्र सिंह द्वारा अपनी टीम में गुप्तचर विभाग की टीम के साथ शहर के होटलों व धर्मशालाओं की जांच की और वहां रुके लोगों की भी जानकारी ली गई। कैथल पुलिस ने 3 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है। सेटा रोड कैथल से रोहित उर्फ ईशु को उसके घर से 570 ग्राम गांजा फूल पत्ती के साथ गिरफ्तार किया गया। दूसरे मामले में राजौंद पुलिस ने पुंडरी रोड सेरधा स्थित जगदम्बा भट्टा के पास से गांव पाई निवासी हरदीप से 16 ग्राम हेरोइन चिट्टा बरामद किया गया। तीसरी घटना में चौकी महमूदपुर की टीम ने हांसी बुटाना नहर पुल से गाड़ी में आए दाबन खेड़ी के प्रीतम सिंह से 6 किलो 200 ग्राम डोडा पोस्त बरामद किया गया। एंटी थिफ्ट स्टाफ ने शक्तिनगर कैथल से 20 साल के बाइक चोर बिट्टू को गिरफ्तार किया है। गांव भागल के रिंकू की मोटरसाइकिल 29 जुलाई को शाह अस्पताल कैथल के बाहर से चोरी हो गई थी। पुलिस रामनगर कैथल के साहिल चोरी की मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया है। साहिल ने पूछताछ में बताया कि उसने अपने साथी बिट्टू के साथ मिलकर यह बाइक चोरी की थी। चीका पुलिस ने कल्लर माजरा रोड चीका से गांव मटोर के रणधीर सिंह को गिरफ्तार किया है। चीका के अमन सिंगला ने पुलिस को बताया था कि उसका पेहवा रोड चीका पर सेलर है। उसके सेलर में काम करने वाले चीका के ही गुरमेल ने सेलर से गेयरबॉक्स व अन्य सामान चोरी करके चीका में धीरा कबाड़ी की दुकान पर बेच दिया था।
पुलिस ने पहले गुरमेल गिरफ्तार किया था। गुरमेल ने बताया था कि वह चोरी का सामान धीरा कबाड़ी की दुकान पर बेचता था। अपचिका पुलिस ने धीरा कबाड़ी यानी रणधीर को गिरफ्तार कर लिया और उसका 2 दिन का पुलिस रिमांड हासिल किया है। कैथल के 11 वर्ष के साहिल को आप सबकी मदद की दरकरार है। साहिल के माता पिता इस दुनिया में नहीं है। साहिल अपने बुआ और फूफा के पास रह रहा है। फूफा कपड़े प्रेस करने का काम करता है। दुर्भाग्यवश साहिल का लीवर खराब हो गया। मैक्स दिल्ली के डॉक्टर ने जल्द साहिल का लीवर बदलवाने की बात कही और लीवर बदलने पर करीब 12 से 14 लाख रुपए का खर्च बताया जा रहा है। साहिल को बचाने के लिए कैथल में सामाजिक संस्था सेवा संघ कैथल सामने आई है और उसने लोगों को मदद की अपील की। अगर आप भी मदद करना चाहते हैं तो हम डिस्क्रिप्शन में सेवा संघ कैथल का बैंक खाता नंबर और मोबाइल नंबर दे रहे हैं। कैथल में शनिवार को रुक रुक कर बारिश होती रही। मौसम विभाग के अनुसार रविवार को भी कैथल में बारिश होने की संभावनाएं जताई जा रही है। इसके अलावा शुक्रवार रात को घने धुंध छाई रही। अन्य खबरों के लिए देखते रहिए कैथल ब्रेकिंग टीवी।